तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की या मी स्टडी का फिर स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। देखिए, इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान की बात करेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले आप जान लीजिए आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। आपकी पीडीएफ मिलेगी यस के या मिश्री टेलीग्राम चैनल पर और skamishriclasses.com वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप लोग वहां पर पीडीएफ जाएंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। अब देखिए, इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं, कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और अच्छी तरीके से अपने नोट्स बुक को बनाते रहिए, ताकि आपको एग्जाम तक में सिर्फ रिवीजन करना रहे और बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में क्या है कि संक्रमक तत्व हैं, धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमक तत्व होते हैं वे धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो संक्रमक तत्व धात्विक प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो धात्विक लक्षण है वह प्रदर्शित, यहाँ पे लक्षण आप कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, लक्षण कर लीजिए। जो संक्रमक तत्व होते हैं, देखिए संक्रमक तत्व होते हैं जो अब आपकी और साड़ी में देखेंगे तो वहां पे संक्रमक तत्वों की आपको जो डी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे वो संक्रमक तत्व आपको मिलेंगे, ठीक है। तो संक्रमक तत्व क्या होते हैं, धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयरन ऊर्जाएं निम्न होती है, उनकी जो आयरन ऊर्जाएं होती है वो कम होती है, ठीक है, क्या होती है, कम होती है, तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित, उनके जो बाह्यतम कोष होता है उसमें क्या होते हैं, अनेक जो रिक्त कक्षक होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता कर, जो ये कारक होते हैं उसके जो धात्विक आबंध होते हैं उसके निर्माण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो निम्न में से रंगहीन आयन कौन है, अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से रंगहीन आयन कौन है, रंगहीन आयन आपका कौन सा है, इसके लिए आपको इसको आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा आपके लिए। तो चार ऑप्शन इसमें आपको दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन क्या है Cu+, दूसरा Cu+2, तीसरा Ni+2, तीसरा चौथा Fe3+, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cu+ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cu+ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है और आपके एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं, संकर आयन को परिभाषित कीजिए, आखिरकार संकर आयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो उदासीन अणुओं या आयनों कहने का मतलब, उदासीन अणुओं या आयनों का मतलब क्या होता है, जो किसी से क्रिया न करें, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजक आबंध द्वारा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा उपसंयोजक आबंध क्या होता है, तो उपसंयोजक आबंध क्या होता है कि जो एक समान बंध से जुड़े हो, आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इस तरीके से बंध आपको मिलेगा उपसंयोजक बंध में, यानी जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा उतना इलेक्ट्रॉन इधर भी देगा, तो ये से क्या कहते हैं उपसंयोजक, यानी बराबर की साझेदारी जहां पर इलेक्ट्रॉनों की होती है वहां पर उपसंयोजक आबंध द्वारा। आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर, स्पीसीज मतलब क्या होता है, जो आपके प्रकार हैं धातु, जो प्रकार हैं, आज यदि धन ऋण आवेश उपस्थित हो तो, क्या हो, यदि धन ऋण आवेश उपस्थित हो तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, संकर आयन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिसपे क्या होगा, केंद्रीय परमाणु से क्या होगा, उपसंयोजक आबंध द्वारा वह क्या होगा, आबंधित होगा, यानी कि बराबर की साझेदारी से क्या होगा, आबंधित होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फ्रैंक लैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, तो 2CH3CH2I+ZL, इसको आपको याद कर लेना है, इसमें कोई ट्रिक आपको नहीं होगी कि सर हमें इसकी याद करने की कोई ट्रिक बता दीजिए, तो आपको जहां फ्रैंक लैंड अभिक्रिया पूछे आप इस अभिक्रिया को याद कर लीजिए, ठीक है, इस अभिक्रिया को याद कर लीजिए, 2CH3CH2I+ZN CH3CH2CH2CH3+ZnCl2, ठीक है, आप इस अभिक्रिया को याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चलिए, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। जो एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही, क्या, किसी एक नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो CH3CH2Br+KCN। अब इसमें देखिए जलीय एथेनॉल और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, इसमें क्या होगा, जलीय एथेनॉल से क्रिया करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड होता है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। देखिए जहां दो कार्बन आपको देखिए वहां पे एथिल होता है, ठीक है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, अभी एक वीडियो आपको ले आएंगे, पूरा जो आपका कार्बनी योगों का नामकरण होता है उसका पूरा एक वीडियो आपको बता देंगे, घंटे जो भी जितना लगेगा, तो आपको पूरा इसमें नामिंग क्लेशर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए CH3, अब देखिए बनाएगा क्या, ये CN आपको इससे जाके मिल जाएगा, तो CH3CH2CN+KBr आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभिक्रिया को आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफार्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से, किससे, क्लोरोफार्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। जो क्लोरोफार्म होता है आपका CCl4 जो होता है उसको, यानी कि वायु के प्रभाव से, यानी कि जो आपकी वायु होगी वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती है, इसमें कौन सी सावधानियां आपको बरती जाएंगी। तो क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में, किसमें, रंगीन बोतलों में काले कागज में, किसमें, क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेट कर अंधेरे में क्या के, उसमें क्या करते हैं, पहले क्लोरोफार्म को रंगीन बोतल में रखेंगे, उसको काले कागज में लपेटेंगे, उसके बाद अंधेरे में मुंह तक भर कर तथा 1% C2H5OH कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए, ठीक है। तो इसे आपको रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपको क्लोरोफार्म बहुत ही विध्वंसक होता है, जलने का खतरा रहता है वहां पे। चलिए आगे आप बताते हैं फार्मेलिन क्या होता है, इसके उपयोग लिखिए। तो फार्मेलिन क्या है, फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, आप सभी को याद कर लेना है, फार्मेल्डिहाइड जो एल्डिहाइड समूह होगा, अभी जब नामन क्लेशर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें सारे समूह आपको पढ़ाया जाए, कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, तो सारे समूह आपको पढ़ाए जाएंगे, जो आपके नामकरण है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स एप, जो भी चीजें होंगी आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, किससे नाम क्लेशर आपको करना है, ठीक है, तो सारी चीजें आपको वहां पे डिस्कस कर दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, आपको धीरे धीरे जो भी जितना चीजें पढ़ाई जा रही है पहले उसको आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए अब जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता, जो फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता होगी वह 40% तक होगी, इसमें जो फार्मेल्डिहाइड की सांद्रता होगी कितने परसेंट तक होगी, 40% तक आपकी होगी, ठीक है। तो अब यह विलयन मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त हो जाए, जो है परीक्षण है मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि जिसे आप कोई जीव मृत हो गया है, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए कि कब मरा है कैसे मरा है, तो वहां पे इसका प्रयोग फार्मेलिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, ठीक है। तो C2H5NH2 को CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो आपको क्या कर रहे हैं कि जो एथिल अमीन है पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण करना है आपको। अब देखिए इसमें कैसे परीक्षण करेंगे, C2H5NH2 को, जो C2H5NH2 को CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ, CH3 और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसकी अभिक्रिया भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे C2H5NH2+CHCl3+3KOH से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, C2H5NC यानी कि एथिल आइसोसाइनाइड बनाएगा +3KCl और +3H2O बनाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छे से आपको सबको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके लिए होगी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो वे कार्बोहाइड्रेट, क्या, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में, किसमें, छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते, यानी कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं क्या होते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट, पहली बात तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं,
जो कि छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते, जो छोटे अणु होते हैं उनमें अपघटित नहीं हो सकते हैं, मोनोसेकराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोसेकराइड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। इनुलीन, इनुलीन से क्या कर रहा है? इनुलीन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं? इनुलीन से जो फ्रक्टोज होता है कैसे प्राप्त करते हैं? समीकरण दीजिए। क्या देना है आपको? समीकरण देना है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं इसमें क्या कर रहा है। कि इनुलीन, इनुलीन डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। आप सभी लोग याद कर लीजिए इसको, जो इनुलीन होता है वो डहेलिया के पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च होता है। अब इनुलीन को तनु H2SO4 के साथ, जो इनुलीन होता है इसको तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर, क्या करने पर? जल अपघटित करने पर फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। जो फ्रक्टोज होता है औद्योगिक मात्रा में बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे C6H10O5 की होल पावर n, ये हमारा क्या है? इनुलीन है, प्लस N H2O, इससे देखिए टन H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? बनाएगा आपका N C6H12O6, जिसे आप क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। ठीक है, क्या बनाएगा? फ्रक्टोज बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी होगी। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। किसको? कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक ध्रुवन घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ध्रुवन घूर्णक, कहने का मतलब कि ध्रुवन घूर्णक मतलब वो क्या होते हैं? घूम भी सकते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। ठीक है, ये आपके एक प्रकार से समूह होता है, कीटोन समूह आप पढ़ेंगे और पॉलीहाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी समूह भी पढ़ेंगे और एल्डिहाइड समूह पढ़ेंगे। तो क्या होता है? एल्डिहाइड समूह या कीटोन होते हैं, ये आपको याद हो गया। अभिवीय पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं। क्या होते हैं? ये जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। एस्कार्बिक अम्ल है, एस्कार्बिक अम्ल क्या होता है? प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, विटामिन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? डीएनए में कौन सा क्षारक है जो नहीं होता है? थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल या एडेमीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूरेसिल। क्या हो जाएगा? यूरेसिल। ठीक है, अमीनो का जलीय विलयन उदय विलयन होता है। जो अमीनो का जलीय विलयन होता है कैसे होता है? तो आपका कैसे होगा? उभयधर्मी होगा, उभयधर्मी होगा। ठीक है, वह क्षारी भी होगा और अम्लीय भी होगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, उभयधर्मी का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। कार्बिल अमीन अभिक्रिया से बनता है, जो कार्बिल अमीन होती है अभिक्रिया, इससे क्या बनता है? तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट या आइसोसाइनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए टॉपिक बता दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।